Salaam, my Aziz listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel Shiddat by Meerab Hayat. So let's start it. वो गुस्से में आग बगोला होती किसी आंधी तूफान की तरह गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुई थी जब रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए वार्डन ने उसको रोका था। अलीशा बेबी, आपसे मिलने आलिम आया हुआ है। वार्डन की शाइस्ता आवाज़ पर वो पलटी, मुझे किसी से नहीं मिलना, तड़क कर कहती वो सीढ़ियों की तरफ भागी जब उसे अपनी पुश्त से आलिम की आवाज़ आई थी। अलीशे, क्या तुम्हें वाकई नहीं मिलना? वो विजिटिंग रूम का पर्दा हटाए खड़ा हुआ था। वह लब भींचती उल्टे कदमों वापस आई। क्या है? उसके सामने रुकती वह लठमार अंदाज में बोली, अब क्या हुआ है? उसका फूला हुआ मुंह देखकर वह पूछ रहा था। इस बात को छोड़ दो कि मुझे क्या हुआ है, अपना बताओ, क्यों रोका है मुझे? वह बेजार होती कुछ झुंझुलाए हुए अंदाज में बोली तो आलिम ने उसे घूरा, फिर उसे हाथ से पकड़कर विजिटिंग रूम में ले आया। मैं 2 दिन के लिए भाई के पास जा रहा हूँ, आलिम ने संजीदगी से कहा तो उसकी सारी बेजारी पल में हवा हुई। तुम्हें पता चल गया कि वो कहाँ है? वो पुरजोश सी बोली थी। हाँ, वो अम्मा के बहरिया टाउन वाले फ्लैट में है, आलिम ने धीमी आवाज़ में उसे मतला किया। बहरिया टाउन का तो पता है लेकिन फ्लैट का नहीं पता। अंकल ने फ्लैट कब लिया वैसे? वो नाक सिकोड़ कर बोली तो उस गंभीर सूरत हाल में भी आलिम को हंसी आ गई। क्या पागल हो तुम यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ और तुम्हें फ्लैट की पड़ी है? वो अपनी हंसी दबाता हुआ बोला तो अलीशा ने उसे घूरा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, अच्छा इसीलिए पूछ रही हूँ कि फुप्पो वाले फ्लैट का तो मुझे पता है, अगर भाई वहाँ होते तो मैं तुम्हारे बगैर भी उनके पास जा सकती थी, लेकिन ये तुम्हारी अम्मा के फ्लैट का मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ ही जाना पड़ेगा। उसके कंधे पर हाथ मारती वह गर्दन हिलाकर बोली तो आलिम ने फौरन उसे पकड़कर उसका रुख दरवाजे की तरफ किया। वो रहा रास्ता, अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा, आलिम ने आजिजाना कहा तो वह तीखे जतूनों से उसे घूरती उसकी जानी पलटी, बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ भाई से मिलने जाऊंगी और तुम मुझे लेकर जाओगे आलिम? उसके हाथ झटकती वो कतियत भरे अंदाज में बोली तो आलिम उस वक्त को पछताया जब वो उससे मिलने आया था। देखो अलीशा, कल तुम्हारी क्लासेस हैं जो तुम अटेंड करोगी, मेरा तो वैसे भी कल ऑफ है और परसों संडे है, सो मेरे लिए इतना कोई खास इशू नहीं है, वो उसे कंधों से थाम कर समझाने वाले अंदाज में बोला तो अलीशा ने फौरन नफी में सर हिलाया, तो कल मैं भी ऑफ ले सकती हूँ? इसमें भी कोई इशू नहीं है, वैसे भी कल सर बहराम और सर शहजाद का भी ऑफ है और सर शम्स की सड़ी हुई शक्ल मुझे नहीं देखनी, तुम प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, वरना हाथ नचा कर फर फर बोलती वो उसे जिच कर रही थी। वरना क्या यार, ये अपनी मक्कारियाँ तुम मुझ पर ही ट्राई मत किया करो, आलिम ने दुहाई दी तो वो मुस्कुराई, वरना ये कि मेरी अक्ल बखूबी काम कर रही है कि भाई फुप्पो की बजाय तुम्हारी अम्मा के फ्लैट पे क्यों हैं, यकीनन कुछ बहुत गलत हुआ है जिससे फुप्पो अनजान है, और अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए तो मैं फुप्पो को अभी के अभी कॉल करके तुम्हारी ये खुफिया कार्रवाइयाँ बता दूँगी। कहते हुए उसने आलिम को जिच करने के लिए जीन्स की पॉकेट से मोबाइल बाहर निकाल लिया जिसे आलिम ने बर वक्त झपटा था। तुम माँ जान को कुछ नहीं बताओगी अलीशा, वो दांत कचकचा कर बोला तो अलीशा इत्मीनान से मुस्कुराई, तो ठीक है फिर माई स्वीट मेहरबानम, मुझे शराफत से भाई के पास लेकर चलो। लबों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाकर उसने आलिम की शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा तो आलिम ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा, मैं कोसता हूँ उस वक्त को जब मम्मा ने तुम जैसी चुड़ैल को हमारे साथ शरीक किया था। उसे कलाई से पकड़कर अपने साथ घसीटता वो नाराज़गी से बोला जबकि वो बिना असर लिए मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती रही। वार्डन को एक करीबी अजीज की तबीयत खराबी का बताकर वो उसे अपने साथ ले आया था। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद जिस वक्त वो दोनों बहरिया टाउन पहुंचे उस वक्त घड़ी रात के 9 बजा रही थी। फ्लैट की बेल बजाकर वो दोनों दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। उन दोनों के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी क्योंकि आलिम उसके बार बार पूछने पर रास्ते में उसे सारी तफसील बता गया था जो फ़ोन पर उसे देने के बाद उसकी मां ने उसे मनसब के पास जाने की हदायत दी थी। मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग ठीक है?
पहले शादी की तुमने और अब शादी के बाद ये नया शोशा। ग्रेजुएशन कर चुके हो, अब मास्टर्स करने की क्या तुक है? उसके सामने खड़ा वलीद शदीद खुफकी के आलम में उससे मुखातिब था। क्यों, मास्टर्स करना गुनाह है? क्या तुमने नहीं किया? फिदा ने उल्टा उसी से सवाल किया, लहजे में अजीब सर्द मोहरी का अंसर नुमाया हो रहा था। ओ भाई, मेरी शादी नहीं हुई। अगर तुम्हारी उम्र में मुझे भी मेरी मोहब्बत मिल चुकी होती तो मास्टर्स करने की बजाय मैं अब तक दो बच्चों का बाप बन चुका होता। वलीद ने बिना लगी लिपटी रखे काफ़ी खुद एतमादी से कहा। अब तुम मुझसे क्या चाह रहे हो, साफ साफ बता क्यों नहीं देते? जानते बूझते भी फिदा ने अनजान बनते हुए वलीद से पूछा। चुपचाप यहीं रहो और अपनी बीवी पर ध्यान दो। कोई ज़रूरत नहीं है शहर जाकर डिग्रियां हासिल करने की। जितना पढ़ लिया है वो यहाँ फैक्ट्री हैंडल करने के लिए बहुत है। वलीद ने बड़े बूढ़ों की तरह कुछ हतमी अंदाज में कहा तो फिदा चिढ़ गया। मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं उस पर ध्यान दूँ, इसीलिए यहाँ से दफा हो रहा हूँ। और तुम अब मेरे अब्बा बनकर मुझ पर अपना हुक्म सादिर मत करो। ताया सरकार से इजाज़त ले ली है मैंने। फिदा जो पहले ही हदीबा से जुदाई का सोच कर पागल हुआ जा रहा था, मजीद वलीद शाह के कहने पर उसके जख्म उधड़ गए सो वह तड़क कर बोला। वलीद ने कुछ तासुब भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। ये फैसला तुम्हारी अना का है या दिल का, बस इतना बता दो, मैं खामोश हो जाऊंगा। वलीद का लहजा संगीन था। तुम्हें अब भी लगता है कि मुझ में अना है? अना, वो भी हदीबा के मामले में? हरगिज़ नहीं वली यार, मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो मुझे देखकर अपना आप नोच लेती हैं, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। कुछ वक्त उनसे दूर रहूँगा तो शायद वो इस रिश्ते की नौयत को समझ जाएं। कम से निढाल होता वो हारे हुए अंदाज में बोला तो वलीद ने एक थकी हुई सांस खारिज की। वो कुछ देर यूं ही खामोश उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कर्ब आमेज तासुरात थे। तो कब दफ़ा हो रहे हो फिर? वलीद शाह ने कदरे नरमी से पूछा। कल सुबह, फिदा ने आहिस्तगी से जवाब दिया तो वलीद ने इस्बात में सर हिलाया। वापसी का क्या तय किया है बाबा सरकार ने? वलीद का सवाल मुस्कुराता हुआ था। हर वीकेंड पर, फिदा ने उसे अपने सर पर लटकती तलवार की बाबत आगाह किया तो वलीद उस बार हंसा था। मुझे पता था यही तय पाया होगा बेटा, तुम्हारी गाड़ी चले ना चले घर वाले धक्के लगा लगा कर उसे भगाएंगे। वलीद काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा था। वो अपने बाप की दूर अंदेशी को समझ गया था, जिन्होंने हदीबा के रवैये की वजह से फिदा का मजीद पढ़ने का मुतालबा कबूल कर लिया था, लेकिन साथ ही उसे हर वीकेंड हवेली आने का पाबंद भी कर दिया था ताकि उन दोनों का रिश्ता कुछ मजबूत हो सके। फिलवक्त तो मुझे ये गाड़ी रींगती हुई भी नज़र नहीं आ रही, फिदा ने काफ़ी मायूस कुन अंदाज में कहा तो वलीद ने उसके कंधे पर धपड़ सी की। अगर तुम उन्हें हर वीकेंड पर ही अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ तो शायद ये गाड़ी चल पड़े, वलीद ने समझदाराना अंदाज में कहा तो फिदा आसमान पर फैली स्याही को तकने लगा। अब फिर से तारे गिनना शुरू कर देना, सुबह निकल रहे हो और अब 10 बजने वाले हैं। जाओ और जाकर हदीबा आपा के पास कुछ ऐसी यादें छोड़ जाओ कि वो तुम्हारे वापस आने तक तुम्हें ही सोचती रहें। वलीद ने उसे मुखलिसाना मशवरा दिया तो वह सर इस्बात में हिलाता पलट गया। फिदा को गहरी सोच में डूबे देखकर वो खुद भी परेशान हो गया था। वो उसकी फिक्र को समझता था। अभी 2 दिन पहले ही तो उन दोनों का वलीमा हुआ था और बिना बात बने अब उसे हदीबा से दूर जाना पड़ रहा था। उन दोनों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करता वह खुद लॉन क्रॉस करता हवेली से बाहर निकल आया। थोड़े ही फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर वो हवेली की दीवारों से दूर होता चला गया कि उन दीवारों में वलीद का दम घुट रहा था। उसका दिल जहरा के लिए बेताब था और वो थी जो उसके जज्बात से बेबहरा एक मगन जिंदगी गुजार रही थी। सब्ज फसलों से लहलहाती अपनी ज़मीनों के आगाज़ में ही उसने एक चौड़ी सड़क पर अपनी गाड़ी रोक दी। दूर दूर तक रात का सन्नाटा फैला हुआ था। वो गाड़ी से निकलकर उसके बोनेट पर चढ़कर बैठ गया। उदास आंखें आसमान पर टिकाई वो एक बार फिर उस रात जैसी सलोनी महजबी को सोचने लगा जो उसकी रगो जाँ में बसती थी। सो क्यों नहीं जाते? उसे इधर से उधर टहलता देखकर वो बेजारी से गोया हुई। फिदा की कमरे में मौजूदगी से वो हिचकिचाहट का शिकार हो रही थी, इसीलिए जब उसे काफ़ी देर यूं ही बेचैनी से टहलते देखा तो बोल पड़ी।
मुझे नींद नहीं आ रही, वह साफ गोई से बोला। लहजे में टूटे कांच की सी चुभन थी। तो फिर कम अज़ कम रूम की लाइट ही ऑफ कर दें, मुझे तो सोने दें। अपने जागने का कसूर उसके सर थोपती वह संजीदगी से बोली। तो फिदा ने पलट कर उसकी जानेब देखा, जो पिछली 5 रातों की तरह आज भी बेड पर दराज थी। बेनियाजी अरूज पर ही तो थी। आपने वाकई सोना है? फिदा ने नरमी से पूछा। हाँ, तो मैं क्या आपसे मजाक कर रही हूँ? वो काट खाने को दौड़ी। उसके तल्क अंदाज पर वह उसे देखता रहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक आया और हदीबा की मुखालिफ साइड पर बैठ गया। उसे वहीं विराजमान होते देख कर वो एक झटके से उठ कर बैठी, क्योंकि आज खिलाफे मामूल उसने बेड पर बैठने की जरूरत कर ली थी, वरना हदीबा ही बेड पर सोती थी। वो लेट नाइट कमरे में आया करता था और फिर फजर तक टेरेस पर खड़े खड़े अपना गम गलत करता था। फिर हदीबा के जागने के बाद नमाज अदा करके वो दिन चढ़े सोता रहता था। लेकिन आज वो ना सिर्फ जल्दी कमरे में आ गया था, बल्कि टेरेस पर जाने की बजाय वहीं कमरे में टहल रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज थोड़ा लेट सो जाएं? मैं सुबह जा रहा हूँ, कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लें प्लीज़। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शादी से पहले गुजारा करती थी। नरम निगाहों से उसकी जानिब देखता वो दोस्ताना अंदाज में बोला। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा फिदा साईं, मुझे नींद आ रही है, आप उठें यहाँ से। बदलेहाजी की इंतहा करती वो उसे साफ इनकार कर रही थी। आप तो सो जाएंगी, मेरा क्या बनेगा हिबा? उसे एहसास दिलाने की सही करता वो धीमी आवाज़ में बोला। मेरी तरफ से चाहे मकबरा बने, यहाँ से दफा हो जाएं आप। उसकी जानिब से रुख फेरती वो संगदिली से बोली। तो फिदा का दिल उसकी सफाकी पर कुरलाया। सुबह हो जाऊँगा दफ़ा, लेकिन अभी मैं ये रात आपको देखते रहकर बिताना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ मुझ पर थोड़ा सा रहम करें। वो बाजिद हुआ। वो जो उसके साथ तल्ख से तल्ख तर हो रही थी, उसके लहजे की नरमी और आंखों की मोहब्बत से घबराने लगी। ये आपकी कैसी मोहब्बत है जो बार बार मेरे लिए अज़ियत का बाइस बनती है? मोहब्बत आपको है, मुझे देखना आप चाहते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे नींद आ रही है, दुहाई देने वाले अंदाज में कहती हदीबा ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। तो फिर आप यूँ करें कि पहले मुझे सुला दें, मैं सो जाऊँगा तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन अगर आप सो जाएंगी तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। उसकी मनमोहनी सूरत नज़रों के हसार में लिए वो बेखुद सा कहता चला गया। उसके इस वाजिया अंदाजे शिकस्त पर हदीबा के दिल ने उसे कोसा था। कितनी पत्थर हो रही थी वो उस मासूम के साथ। उसकी बात पर हदीबा ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा। फिदा की आंखों में नमी सी चमक रही थी। क्या चाहते हैं? वो बेतासुर लहजे में बोली। आपको, वो बेख्तियार बोला। हदीबा का चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था। इस वक्त क्या चाहते हैं? वो जब्त करती बोली। सिर्फ आपको। आंखों में नमी की चमक और लबों पर धीमी मुस्कान सजाए वो उसी को देख रहा था। फिदा साई, आप हद कर रहे हैं। हदीबा की सांसें उसकी निगाहों की तपिश से थम रही थी। अभी तो इब्तदा भी नहीं की और आप इंतहा की बात कर रही हैं। उसकी तरफ ज़रा सा झुकते वो राजदाराना अंदाज में बोला। तो उसके लहजे की शिद्दतों से घबराती वो थोड़ा किनारे की तरफ खिसकी। इस बेहुदा गुफ्तगू के अलावा और कुछ है जो आप मुझसे चाहते हैं? वो उसके साथ साथ अपना जब भी आजमा रही थी। फिदा समझ चुका था कि वो बर्दाश्त की आखिरी हद पर है, सो उसने सीधा होकर बैठते हुए निगाहों का रुख बदल लिया। आपके हाथ की चाय। वो मुस्कुराया, आँखें भी मुस्कुराती हुई थी। आपको पता है मुझे चाय बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कुछ मुफाहमत आमेज़ अंदाज में बोली। लेकिन आप फिर भी हमेशा मेरे लिए बनाया करती थी। वो उसे याद दहानी करवाने लगा। पहले की बात कुछ और थी फिदा, वो जैसे उस वक्त से भागना चाह रही थी। हालांकि अब वक्त कुछ और है। मीठी निगाहों से उसकी जानिब देखता वो उसे कुछ जताने वाले अंदाज में बोला। तो वो चिढ़ कर बेड से उतरी। शक्कर वाली या? जाते जाते वो पूछना नहीं भूली थी। आप नमक वाली भी पिला दें तो पी लूँगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो नज़रें फेरती हदीबा वहाँ से भागी। वो वाकई उस पर फिदा था, और वाकई उस बंद कमरे में जहाँ फिदा हुसैन की शिद्दतें हदीबा के कुर्ब के लिए चीखती थीं, वहीं हदीबा की जानिब से मुंजमित कर देने वाली बेनियाजी अरूज पर थी।
एक जानिब शिद्दत थी तो दूसरी जानिब गहरा सकूत था। नौशहरो फिरोज की कच्ची पक्की गलियों में उस पल मुहीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। रात की स्याही कच्चे मकानों से बनी बड़ी हवेलियों की ऊंची दीवारों कच्चे मकानों समेत पत्थर सीमेंट से बनी बड़ी हवेली की ऊंची दीवारों को भी अपनी लपेट में लिए हुए थी। जहां हर तरफ खामोशी और स्याही का राज था, वहीं अंधेरे को चीरती गाड़ी की हेडलाइट्स हवेली के बड़े से गेट पर आकर बुझ गई। शदीद जहनी और जिस्मानी इस्तराब के आलम में वो चौकीदार को गेट खोलने का इशारा करता गाड़ी अंदर ले आया। प्यास की शिद्दत से उसका गला सूख रहा था। वो अंदर आते ही सीधा किचन की तरफ आया था। ठंडे पानी की बोतल लबों से लगाते ही उसने चंद घूंट भरने में ही बोतल खाली कर दी थी। जाने क्यों आंखों की जलन आज हद से सवा हो रही थी। रात के 3 बजने को थे और शदीद थकावट के बावजूद वलीद शाह की आंखों में दूर दूर तक नींद का शाइबा तक नहीं था। किचन से निकलते हुए उसने यूं ही अतराफ में नज़र दौड़ाई तो हॉल कमरे की तरफ जाती राहदारी के सिरे पर ही उसे कोई साकिन वजूद नज़र आया था। नीम अंधेरे में दीवार से टेक लगाए खड़े उस वजूद पर किसी मुजस्मे का गुमान हो रहा था। उस वजूद की आंखों में पड़ती चांद की धीमी रोशनी जैसे उस वजूद में दम तोड़ती जिंदगी को सहारा दिए हुए थी। वो कदम कदम चलता उसकी जानिब आया तो उसका शक यकीन में बदल गया। हॉल कमरे की दीवार गिर दरवाज़ा नुमा लकड़ी की खिड़कियां खुली हुई थीं जिससे सामने आसमान पर चमकते चांद की रोशनी जहरा के बेतासुर चेहरे पर पड़ रही थी। खिड़की पर चमकते जालीदार पर्दे उस पुरफसों माहौल में उदास हवा के संग होले होले उड़ रहे थे। तुम सोई नहीं अभी तक? वलीद की भारी पुरहिद्दत आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई, फिर कुछ सरासीमा निगाहों से उसकी जानिब देखा। वो मुझे आज नींद नहीं आ रही थी। उसने बादिक्कत बहाना घड़ा, वरना सच यही था कि वो फिदा के जाने का सुनकर उदास थी। उसे लगा था सब सो चुके हैं, लेकिन यूं उस वक्त वलीद को सामने देखकर वो हकीकतन शर्मिंदा हो गई थी। वलीद ने कुछ जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखा। चाय मिल सकती है? खिलाफे मामूल वो जाने क्यों कह बैठा तो जहरा ने एक नज़र उसकी जानिब देखते हुए इस्बात में सर हिला दिया। मैं अपने रूम में हूँ, उसे आगाह करता वो कमरे में चला आया। वलीद की सुर्ख आंखों में उसकी पुरसोज दर्द में डूबी भंवर आंखें घूम रही थीं। रात की उस गहरी तन्हाई में उसका दिल शिद्दतों से उस नाजुक जान की तरफ हमक रहा था जो उसके दिल में लगी आग से कतई अनजान थी। रफ सूट चेंज करके वो बेड पर दराज हो गया। कमरे में रोशन अनगिनत बल्ब उसकी आंखों में चुभने लगे तो उसने चंद एक बुझा दिए। वो एक बार फिर अपने और जहरा के बारे में सोचने लगा, जिनके माबैन जुल्फकार आलिम शाह का शदीद इनकार चीख चीख कर उसे अपने और जहरा के माबैन क्लास का फ़र्क समझाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। बेहतर है कि तुम उस कमी कमीन का ख्याल अपने जहन से निकाल दो वलीद शाह, तुम्हारे लिए हम तुम्हारे मयार की लड़की पसंद करेंगे, इसीलिए उस नौकरानी के भद्दे ख्वाब देखना बंद कर दो। कितना हकारत अमेज अंदाज था ना, इतना ही कि वो कर्ब से आंखें मूंद गया। मेरी मोहब्बत का मयार बहुत बुलंद है बाबा सरकार, मेरी निगाहों में सहारा से मोतबर कोई नहीं। अगर आप सीधी तरह से उसे मेरे निकाह में नहीं देंगे तो मुझे दूसरे बहुत से रास्ते आते हैं। उसने भी उनका इनकार उनके मुंह पर मार डाला था और बिलाशुबा बड़ी हवेली में ये जुर्रत वलीद शाह की ही थी जो उनके सामने बेखौफी से अपना मौकफ बयान कर दिया करता था, वरना तो वक्कार आलिम शाह भी उनके सामने बोलते हुए डरते थे। यूं ही मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना उसका थकन ज़्यादा जहन गनूदगी में जाने लगा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। वो बड़ी मुश्किलों से आँखें खोल पाया था। इजाज़त है? वो इजाज़त तलब कर रही थी। आ जाओ, वलीद ने कहा तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वलीद शाह के सुर्ख चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसका दिल धक से रह गया। वो खून छलकाती सुर्ख आँखों की पलकें झपकाता उसी को देख रहा था जैसे जागने की नाकाम कोशिश थी जो वो कर रहा था। सरकार ये चाय, निगाह झुकाए वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। यहाँ रख दो, वलीद ने साइड टेबल की तरफ इशारा किया।
जहरा ने चुपचाप ट्रे वहाँ रख दी। मैं जाऊँ सरकार? वो हाथ बांधे जल्दी जल्दी पूछ रही थी, जैसे उसे जाने की बेताबी हो। अगर कह दूँ कि ना जाओ तो क्या रुक जाओगी? वलीद संजीदगी से बोला तो सहरा को हैरत का झटका लगा। जी? उसने सटपटा कर उसकी जानिब देखा। सामली रंगत तमतमाहट लिए हुए थी। वो दीवाना बार उसके नकूश देखता चला गया। सरकार मैं जाऊँ? उसने फिर से अपनी अर्जी दोहराई तो वह होश में आया। हाँ हाँ जाओ तुम, कुछ कुबकी भरे लहजे में कहकर उसने कुशन चेहरे पर रख लिया। जाते हुए ये लाइट्स ऑफ कर देना, वो मजीद बोला तो वो जी अच्छा कहती पलटी। अभी उसने एक कदम ही उठाया था कि एक धमाके के साथ लाइट चली गई। पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया। शायद बाहर मौसम बदला था। सहरा का दिल बे इख्तियार धड़का, जबकि पंखा रुकने की आवाज़ पर वलीद शाह ने चेहरे से कुशन हटा लिया। सहरा? उसने बे इख्तियार उसे पुकारा। जहरा का दिल हलक में आ गया। सरकार बिजली चली गई है, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ, जल्दी से कहती वो नाक की सीध में भागी थी। लेकिन बुरा हो उस तारीकी का जिसमें उसका पाँव राइटिंग टेबल की चेयर से टकराया था। वो मुंह के बल फर्श पर गिरी थी। उसके मुंह से बे इख्तियार एक कराह निकली। रुको जहरा, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। बेड से उतरता वह उसके करीब आया था। खिड़की पर पड़े पड़ते तेज़ हवा के संग लहराने लगे थे। बाहर शायद बारिश ज़मीन के सीने को भिगोने के लिए बेताब हो रही थी। चांद कहीं दूर बादलों की स्याही तले जा चुका था। वो राइटिंग टेबल के पास आया और अंदाजे से टेबल दराज खोलकर उसमें से मोमबत्ती और माचिस निकाल ली। मैं चली जाऊँगी, उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमेजिश थी। दिल की धड़कन इस हद तक तेज़ थी कि वलीद शाह की समातें उनके राग से पागल हो रही थी। खबरदार, यहाँ से एक कदम मत हिलना, मैंने कहा तो है छोड़ आता हूँ। वो उसकी फिक्र करता मोमबत्ती जलाने लगा। जहरा का दिल अनजाने वसवसों से घबरा रहा था। मोमबत्ती की टमटमाती रोशनी हाथ में लिए वो सीधा हुआ। चलो, नरमी से कहते हुए उसकी गैर दानिस्ता नज़र उस पर पड़ी थी। सुनहरी रोशनी में उसकी भंवर आँखों की खमदार पलकें भीगी हुई थीं। लरसते लब अजब कशिश लिए हुए थे। वलीद शाह का ईमान डावाडोल कर रहे थे। अब चलो भी, वलीद शाह ने दिल को डपटते हुए उसे फिर से कहा तो वो उसके पीछे चलने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ छाजो छाज मीना बरसने लगा था। वो बमुश्किल दरवाजे तक ही पहुँचा था जब जहरा ने उसे पुकारा। सरकार मुझे जाने दें खुदारा, कहीं कोई देख ना ले, वो परेशान ज़दा सी बोली तो वलीद उसकी जानिब पलटा। हवेली की कुशादा खुली खिड़कियों से आती मूँह जोर हवा ने बड़ी दलेरी से मोमबत्ती का शोला गुल किया था। दरवाज़ा यूं बंद हुआ था जैसे किसी ने पटक दिया हो। तेज़ आवाज़ों के खौफ से घबराती वो अचानक उसके शाने से लगी थी। इस अचानक अवतार पर वलीद शाह पत्थर का सा हो गया। अगर उसके वजूद में कुछ बाकी रहा था तो वो थी जहरा की बेहंगम धड़कनें, लरसता वजूद और रात की तन्हाई। उसके मुंजमद वजूद में दिल की शिद्दतें अपने अरूज को पहुंचती चिल्लाने लगीं तो अपना आप खोता वलीद शाह उसे खुद में समेट गया। उसके आसार में रोती जहरा ने मुतहव्विर सी होकर सर उठाया। सरकार, उसके लब फड़फड़ाए लेकिन वलीद शाह की समातें उस पल फकत अपने दिल की बेलगाम सरगोशियां सुन रही थीं। वो उसकी मिन्नतें करती रह गई लेकिन वक्त उसके हाथों से निकलता चला गया। वो सुनने समझने की हदूद से बहुत आगे निकल चुका था। तीसरी मर्तबा बेल बजाने पर दरवाज़ा खुल गया था। सामने ही वो सूती हुई शक्ल लिए बेजार सा खड़ा था। शर्ट के खुले बटन, बिखरे बाल, सुर्ख आँखें लिए वो उन पर नज़र पड़ते ही कुछ हैरान हुआ था। अल्लाह भाई, ये क्या हाल कर रखा है आपने अपना? उसके दाएं गाल पर नज़र पड़ते ही वो फिक्रमंदी से चिल्लाई। दायां गाल आँख के नीचे से सूजा हुआ था। निलाहट वाजिया थी जो पिछले दो दिनों में कदरे कम हो चुकी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ और इसे क्यों लाए हो? मनसब ने भरपूर संजीदगी से उसे मुखातिब किया, जो खुद भी मनसब का बिगड़ा हुलिया देखकर दंग रह गया था। मुझे अम्मा ने यहाँ आने के लिए कहा है, आलिम ने धीमी आवाज़ में कहा। तो अब तुम मेरी चौकीदारी करोगी? वो दरवाजे में ही
चौड़ा होकर खड़ा सख्त तेवर लिए पूछ रहा था, नहीं तुम्हारी देखभाल। नाराजगी से कहते हुए आलिम उसे रास्ते से हटाता अंदर आ गया। पीछे ही मनसब का बाजू थामती अलीशा भी अंदर चली आई थी। मुझे तुम दोनों की खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर है अभी वापस चले जाओ। नरमी से अलीशा का हाथ झटकता वो बेतासुर लहजे में बोला, ऐसे कैसे नहीं है, ये ज़रा हाल तो देखें अपना, इतनी गर्मी में क्या बना रखा है। उसे फौरन जवाब देती उसका बाजू थामती अलीशा ने उसे अपने साथ घसीटा। मेहरबान आराम से सोफे पर विराजमान हो चुका था। वो जानता था कि मनसब के लिए अलीशा ही काफ़ी है। अलीशा उसे सोफे पर बिठाकर जल्दी से हेयर ब्रश उठा लाई तो वह तंबीही अंदाज में बोला, क्या भाई डर लग रहा है ना। एकदम उसके सामने आती वो बच्चों की तरह मुंह बसोर कर बोली तो वह ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। वो दांतों की नुमाइश करती सोफे की पुश्त पर जा खड़ी हुई और उसके बाल संवारने लगी। इतने प्यारे बाल हैं, इनकी केयर क्यों नहीं करते। उसके आधे बाल पोनी में मुकीद करके वो उसका कान खींचती हुई बोली तो उन दोनों की कार्रवाई नोट करता मेहरबान मुस्कुरा दिया, जबकि मनसब ने उसे घूरा, तमीज़ बिल्कुल ही भूलती जा रही हो। मनसब ने मुकम्मल संजीदगी से कहा तो वो बुरा मानने की बजाय हंस दी, पता है मेरे सड़ियल टीचर भी यही कह रहे थे कि मैं तमीज़ से वाकिफ नहीं हूँ। बड़े फ़खर से वो शम्स के अपने बारे में कहे गए कॉम्प्लीमेंट्स मनसब को बता रही थी। क्यों आई हो यहाँ। उसे अपने साथ ही सोफे पर बैठते देखकर मनसब ने कदरे नरमी से पूछा तो वो भी संजीदा हुई, आपकी फ़िक्र में आई हूँ और किस लिए, कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे और आपका फ्लैट भी बंद पड़ा है। उसका ज़ख्मी चेहरा देखती वो खफा खफा सी बोली। उसके जवाब पर मनसब ने गहरा सांस लिया, तुम्हें अम्मा ने कुछ बताया है। वो आलिम की तरफ मतवज्जा हुआ, कुछ नहीं सब कुछ बता दिया है मेहरबान ने संजीदगी से कहा तो वो एक बार फिर लब भींच गया, और पता है इस सब में मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आया है, ये जो थप्पड़ चुपचाप आपने अंकल से खा लिए हैं ना, उसका मुझे बहुत गुस्सा है भाई सच्ची। उसका चेहरा हाथ से अपनी जानिब मोड़ती वो मुंह बसोरती बोली। उसे जवाब देने की बजाय मनसब ने गर्दन मोड़कर आलिम को घूरा, अम्मा ने तुम्हें बताया और तुमने आगे से इसे बता दिया। वो मेहरबान पर गुस्सा हुआ था, वो पूछ रही थी। आलिम ने इत्मीनान से कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़े ना भाई मुझे ये बताएं आपने एक मामूली सी लड़की की वजह से थप्पड़ क्यों बर्दाश्त किए। उसकी हिफत को समझे बगैर अलीशा ने एक बार फिर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, तो क्या उनका हाथ रोक लेता, पहले ही उनकी नज़र में नाहजाज हूँ, उनका हाथ रोक कर गुस्ताख भी बन जाता। अलीशा का हाथ झटकता वह चिढ़कर बोला तो उसके जवाब पर अलीशा ने पुरसोच अंदाज में आँखें घुमाई, आप कम अज़ कम ये तो कह सकते थे कि एक फजूल लड़की के लिए वो क्यों इतने हाइपर हो रहे हैं। अलीशा ने उसका ध्यान दूसरी जानिब मबजूल करवाया, वो चौंक उठा, वाकई उसके बाप के अंदाज में इश्तियाल अमेजी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ उसकी गलती के लिए वो उससे इस हद तक खफा नहीं हो सकते थे। तो क्या उस लड़की से उनका कोई नाता था, अगर हाँ तो क्या रिश्ता था। वो सोच में पड़ गया, क्या सोचने लगे भाई। उसे कालीन को घूरता देखकर वो उसका कांधा हिलाकर बोली, वही जो तुमने कहा है। मनसब की बजाय मेहरबान ने उसे जवाब दिया, चले जो भी हुआ उसे छोड़े ना, अभी मुझे आपके हाथों से बना पास्ता खाना है प्लीज़। वो अपनी नई से नई बात से उन्हें उसकी सोचें झंझोड़ रही थी। एक के बाद एक बात मेहरबान मुस्कुराने लगा, वो ऐसी ही थी, ध्यान बचाने के लिए सही वक्त पर अपनी मर्जी से कोई भी शोशा छोड़ दिया करती थी। उसकी इस बेवक्त फरमाइश पर मनसब सबर के घूंट भरता उठ खड़ा हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ, आलिम से बनवा लो और दोनों खाते रहना, मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। उसे साफ कोरा जवाब देता वो बेडरूम की तरफ बढ़ा, ये क्या बात हुई, हम आपसे मिलने आपकी खिदमत करने आए हैं और आप हैं कि मौका दिए बगैर सोने जा रहे हैं। वो उसके पीछे लपकती मस्तुईपन से बोली तो उसकी ड्रामेबाजियाँ समझता वो पल भर को रुका, कीप योर वर्ड्स, खिदमत करने आई हो तो बस शोर मत करना, मुझे सोने दो, इससे अजीम खिदमत तुम मेरी कर नहीं सकती, लीव मी, शाबाश। आराम से कहते हुए मनसब ने उसे सामने से हटाया। और मेरा पास्ता भाई। वो रोनी सी सूरत
बनाती बोली, अदाकारी की आखिरी हदों पर थी, खिदमत करने आई हो या करवाने, वो भी उसी का भाई था। फौरन उसके अल्फाज लौटाए, मजबूरन वो उसे जबान दिखाती अब मिन्नतें करने के लिए मेहरबान के पास आई। मनसब कमरे में जा घुसा, जबकि अलीशा की चीख चीख से आजिज आते मेहरबान को उसके लिए पास्ता बनाना पड़ा था, जिसे मज़े से खाते हुए अलीशा ने उसे चुड़ाने को बेतहाशा नुक्स निकाले थे, लेकिन वो ढीठ बना सर धुनता रहा। रात गए वो दोनों उस फ्लैट के लाउंज में एक दूसरे की दुर्गत बनाते रहे। फिर जब थक गए तो अलीशा तो सोफे पर ढह गई, जबकि आलिम सिंगल सोफे पर सिमट कर बैठ गया। दोनों पर नींद मेहरबान हो चुकी थी, उन्हें यूं ही सोए सोए काफ़ी वक्त बीत गया। जब रात के न जाने कौन से पहर अलीशा की आँख खुली थी, वो पानी पीने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ी, जब उसकी नज़र मनसब वाले बेडरूम के अध खुले दरवाजे पर पड़ी। वो दबे कदमों उसके कमरे तक आई और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल कर अंदर झांका। नीम अंधेरे में डूबा कमरा खाली पड़ा था। स्विच बोर्ड तलाश करके उसने कमरे की लाइट्स ऑन की, मनसब कहीं नहीं था। उसने वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम और बिलाखिर सारा फ्लैट छान मारा, वो वाकई कहीं भी नहीं था। अलीशा जल्दी से आलिम की तरफ भागी और उसे झंझोड़ कर जगाया। क्या आफत आ गई, खूबसूरत लड़कों को ऐसे कौन जगाता है, उन लड़कों की बहनें। वो बमुश्किल आँखें खोलता झुंझुलाहट भरी आवाज़ में बोला तो अलीशा ने फट से उसे जवाब दिया, चुड़ैल क्या है। वो खड़ा होता मस्नूई चिड़चिड़ा बन दिखाता हुआ बोला, भाई अपने रूम में नहीं है मेहरबानम। उसे शौक देने को वो पूर इसरार अंदाज में बोली तो मेहरबान की आंखें ठीक ठाक खुली थी। क्या मतलब रूम में नहीं है, फौरन संजीदा होता वो उसके कमरे की तरफ भागा। सिर्फ रूम में नहीं, वो पूरे फ्लैट में ही नहीं है। अलीशा ने उसे मज़ीद इत्तला दी तो फ्लैट का जायज़ा लेता वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उफ़, अम्मा ने कहा भी था कि भाई का ख्याल रखना, अब अगर उन्होंने फिर कोई उल्टी हरकत की तो अम्मा मेरी गर्दन दबाएंगी। वो हकीकतन परेशान हो चुका था। अलीशा भी फिक्रमंद हो गई। रात के आखिरी पहर हॉस्पिटल के अक्सरियत हिस्सों में नीम तारीकी का राज था। कॉरिडोर सुनसान पड़े थे, कमरों में जेरे इलाज मरीज गहरी नींद सो रहे थे, वो भी बाकी मरीजों की तरह गहरी नींद सो रही थी। उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया था, उसकी सियाह पलकों पर नींद का बोझ था, जब साथ ही उसे किसी की गहरी सांसों की तपिश भी महसूस हुई। मेहरबान ने आंखें खोलना चाहीं लेकिन अफसोस वो नाकाम रही थी। तुम्हें क्या लगता है, मेरे चुंगल से बचकर तुम आज़ाद हो चुकी हो, पूछते हुए मनसब की भारी आवाज़ में सर्दपन नुमाया था। मेहरबान के दिल की धड़कने उस आवाज़ ने तेज़ कर डाली थी। मैं जिसे एक बार बर्बाद करने की ठान लेता हूँ फिर मैं उसमें कुछ आबाद नहीं छोड़ता, वो उसके कान में सरगोशी कर रहा था। मेहरमा की पेशानी शफाफ कतरों से नमूदार होने लगी थी। पहले तुम्हारी रूह, फिर तुम्हारा दिल और आखिर में तुम्हारा ये वजूद, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा मेहरमा हुसैन, तुम्हारे पूरे वजूद को बर्बाद कर दूँगा। वो अल्फाज नहीं, उसके कानों में सूर फूंक रहा था। मेहरमा की जान हलक में अटकने लगी। मनसब को खुद पर झुके महसूस करती मेहरमा की पेशानी पसीने से भीगने लगी, सांस रुक रुक कर चलने लगा था। आंखें खोलो और गौर से देखो, मैं तुम्हारी बर्बादी हूँ, वो फिर से गुर्राया तो मेहरमा ने आंखें मज़ीद सख्ती से भींचते हुए नफ़ी में सर हिलाया। बिस्तर की सफ़ेद चादर मुट्ठियों में भींचते हुए उसकी जान हवा हो रही थी। मेहर आंखें खोलो, वो हनूज उसे पुकार रहा था। नहीं नहीं, उसके लब फड़फड़ाए, बंद आंखों से टूटते आंसू कनपटी में जज्ब हुए थे। महर आंखें खोलो महर, उसे मुसलसल पुकारा जा रहा था। अभी अभी जी, मुझे बचा लें, गनूदगी में सी सकती वो चिल्लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। महर मेरी बच्ची, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, उसकी पेशानी पर हाथ रखे बोलते वो कोई और नहीं उसके अभी जी ही थे। मेहरमा ने एक झटके से आंखें खोली थीं, जैसे उसे उनकी अपने पास मौजूदगी पर शक हो। आंखों के सामने धुंध की दबीज तह के पार जो चेहरा उसे देखने को मिला था वो उसके बाप का था। वो एक झटके से उठकर बैठी तो उसका नीम ख्वाबीदा दिमाग साई साई करने लगा।
महज नरमी से कहते हुए उन्होंने उसे थाम लिया। अभी जी वो यहाँ आया था, वो मनसब यहाँ। लरजते हाथों से अपने दाएं जानिब इशारा करती वो खौफसदा सी बोली, अभी वो मुझे बर्बाद। महरमा के लिए अपनी बात मुकम्मल करना महाल हो रहा था। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है मेरी बेटी? यहाँ कोई भी नहीं था। देखो यहाँ सिर्फ मैं हूँ, आसपास कोई नहीं है। नहीं, वो यहीं था, मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी है। उनके हाथ झटकती वो चीखी, बेजान होते वजूद को हरकत देती वो बिस्तर से उतरी थी। महर, मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं है, वापस आओ, खुद को मत थकाओ। उसे पागलों की तरह पूरे कमरे में चक्कर काटते हुए मनसब को तलाशते देख कर वो उसके पीछे लग गए। वो यहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बिस्तर की चादर हटाकर स्ट्रेचर के नीचे झांकती बुड़बुड़ाई। महर उसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा करते हुए कदरे सख्ती से बोले तो महरमा ने भीगी आंखों से उनकी जानिब देखा। वो यहीं था। उसके लब बेबसी से फड़फड़ाए, आंखों से आंसू टूट कर गालों पर बिखर आए थे। वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वो जेल में है। उसके सर पर हाथ रखते हुए उन्होंने संजीदगी से कहा तो उसके बहते आंसू पल भर को थम से गए। उनके लबों से निकले लफ्ज़ों पर दिल में इत्मीनान सा बढ़ता चला गया। जज से कहिएगा उसे सजाए मौत दे दे। अपने बाप की आंखों में देखती वो कतियत भरे अंदाज में बोली तो उसके लहजे में घुली मनसब शाह के लिए नफरत महसूस करके अंदर आती उस औरत के कदम डगमगा गए। उनकी आंखों में नमी तर आई थी, लेकिन वो बमुश्किल लबों पर मुस्कुराहट सजाती उन दोनों बाप बेटी के करीब चली आईं। उठ गई मेरी बेटी? उसके करीब आती वो नरमी से बोली तो महरमा ने उनकी जानिब देखा। उन्हें सामने देखकर वो अस्पात में सर हिला गई। वो पिछले 2 दिनों से इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। पिछली सुबह जब वह होश में आई थी तो उनका चेहरा उसकी निगाहों के लिए नया था। तब नूर बेगम ने उन्हें उसके मामू की बीवी के तौर पर मुतारफ़ कराया था। उनके नरम रवैये और शीरी अंदाज़े गुफ्तगु ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि अपनी माँ की बजाय वो उन्हें सब कुछ बताती चली गई। अव्वल रोज़ के टकराव से लेकर कॉलेज में हुई तजलील और आखिर में उसके दोस्तों की इज्तमाई बेहूदगी वो उन्हें बताती चली गई। मनसब की गिरी हुई हरकतों पर वो अपने आंसू जब्त करती रह गई थी। क्या करती और क्या कहती वो महरमा को? किस मुंह से एतराफ़ करती कि वो ही मनसब आलिम शाह की माँ है? कैसे बताती कि वो नाहिजाज उन्हीं के हाथों में परवरिश पाकर जवान हुआ है? मनसब के किए गए इस नीच कारनामे पर वो दोनों माँ बाप ही महरमा के वालदैन के सामने शर्मिंदा थे। मनसब के बाबा सरकार ने तो बाकायदा हाथ जोड़ कर हुसैन साहब से दरख्वास्त की थी कि महरमा को ये ना बताइएगा कि मनसब आलिम शाह उसका मामू ज़ात है, वो फ़कत उसके मामू ही रहना चाहते थे। मनसब के वालदैन बनकर वो महरमा की नफ़रत बर्दाश्त करने के हक में बिल्कुल नहीं थे। ये किस बात पर अपने अभिजी से बहस की जा रही है? उसे बेड पर बिठाते हुए उसकी मुमानी ने नरमी से पूछा। किसी बात पर नहीं, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देख लिया था, फर्श को घूरती वो रुखाई से बोली। अल्लाह पाक शैतान के शर से महफूज रखे, उसके बाल मोहब्बत से सहलाते हुए उन्होंने नम आवाज़ में कहा। मैं नमाज अदा करके आता हूँ, आप यहीं रहिएगा। वहाँ खड़े महरमा के वालिद उन्हें मुखातिब करते बोले, मैं यहीं हूँ, नूर भी नमाज अदा करके यहीं आ जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। उन्होंने आहिस्तगी से सर हिलाते हुए कहा तो वो एक मुतफक्किर नज़र सर झुकाए बैठी महरमा पर डालकर पलट गए। मामू कहाँ हैं? क्या उनको इस सब का नहीं पता? वो 2 दिनों में उनका मुशफ़िक चेहरा नहीं देख पाई थी, इसीलिए कुछ झिझकते हुए पूछा। तुम्हें उस जानवर के ठिकाने से बाहिफाजत बाहर निकालने वाले वही हैं, मैं उस वक्त उनके साथ ही थी और उन्होंने ही तो यहाँ भी मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दरअसल उन पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ है चंदा, उन्हीं को निभा रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओ, फिर वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। उनकी तफसीली जवाब पर वो पुरसकून सी हो गई। आप और मामू दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप दोनों पहले कहाँ थे? आपको पता है मैं हर ईद पर मामू की कमी बहुत महसूस करती थी, और जब कभी अम्मा से शिकायत की तो वो डपट कर चुप करवा देती थी। क्या मामू ने पहले कभी मुझे मिस नहीं किया? कुछ सोचकर वो उनकी जानिब देखती शिकायती अंदाज में बोलती चली गई तो उनकी आंखों में वैरानी सी छा गई। बोलिए ना, पहले कहाँ थे आप दोनों?
मेहर माँ कदरे बुलंद आवाज़ में बोली तो वो चेहरे का रुख मोड़ गई। अब वो उसे क्या जवाब देती। वो फिक्रमंद सा हाथों में सर लिए बैठा था जब अपनी धुन में फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता मन सब चौंका। वो उन दोनों को सोता हुआ छोड़ कर गया था जबकि उस वक्त वो दोनों परेशान हाल से नज़र आ रहे थे। क्या हुआ है, ये तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? उन दोनों की फिक्र से अनजान उसने आराम से पूछा तो आलम, जिसकी निगाह उस पर पड़ चुकी थी, अपनी जगह से उठता उसकी तरफ लपका था। कहाँ गए थे तुम आधी रात को, फ्लैट से बाहर क्यों गए थे बोलो? उसके सर पर पहुंचता आलिम शदीद बरहमी से गुर्राया जबकि उसके इस अंदाजे तखातुब पर मनसब की तेवरियां चढ़ने लगी। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तब तुम सवाल गोल कर गए, लेकिन अभी जवाब तुम्हारा ये रवैया दे रहा है जो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। आलिम की गुस्सीली आंखों में झांकता वो दुरुस्तगी से बोला तो आलिम चटक गया। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी चौकीदारी करने आया हूँ, मनसब के ढीठपन पर जब्त करता वो चीखा था। अलीशा इस सूरत हाल पर दम साधे खड़ी थी। और तुम मुझे अभी बताओगी कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मनसब के सीने पर हाथ मारते हुए आलिम करख्त लबो लहजे में बोला तो मनसब के लिए जैसे हद हो गई थी। मेरे बाप नहीं हो तुम जिसे मैं अपने कहीं भी आने जाने के लिए जवाब दूंगा? आलिम से दुगनी कुव्वत से उसके सीने पर हाथ मारता मनसब धाड़ा था। इस वार पर आलिम कदरे लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हटा। इस दौरान मनसब अपने बाएं हाथ में मौजूद कोक का कैन फर्श पर फेंक चुका था। बाप की क्या बात करते हो, तुम तो उस शरीफ इंसान के सामने भी अपने काले चट्ठों के लिए कभी जवाब दे नहीं रहे। उसके गुस्से से मरूब हुए बगैर आलिम तमस्कुराना गोया हुआ तो अलीशा ने मुतफक्किर सी होकर अपनी पेशानी सहलाई। कौन से काले चट्ठे, किस बारे में बकवास कर रहे हो? खुलकर कहो ना, आज मैं भी तो सुनूं मैंने क्या किया है। आलिम के करीब तरीन होते हुए मनसब जख्मी शेर की मानंद गुर्राया, आलिम प्लीज स्टॉप इट। अलीशा ने आगे बढ़कर आलिम को बाजू से थामने की कोशिश की तो आलिम ने बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया। मुझे बताने की ज़रूरत ही क्या है, आईने में जाकर अपना चेहरा देख लो, तुम्हें अपने करतूत अपनी पेशानी पर ही चमकते नज़र आ जाएंगे। बिना लगी लिपटी रखे आलिम ने जहर खुन लहजे में कहा तो तस्लील के शदीद एहसास ने मनसब का चेहरा सुर्ख कर डाला। अपनी बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना कत्ल कर दूंगा मैं तुम्हारा। उसे गिरेबान से थाम कर दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए मनसब चिल्लाया तो अलीशा बेताबाना उन दोनों की जानिब लपकी। उसका दिल उस पल तड़प रहा था। हाँ हाँ, अब सिर्फ कत्ल करने की ही गुंजाइश बाकी है वरना शराब नशा जिना सब कुछ तो कर चुके हो तुम। आलिम बिना असर लिए दरिश्तगी से बोला तो मनसब अपना जब्त खोता उस पर झपट पड़ा। भाई प्लीज रुक जाइए, अलीशा उसकी तरफ बढ़ती चिल्लाई थी, बकवास बंद कर, कहा ना मैंने दफा हो जाए यहाँ से। आलिम के चेहरे पर एक साथ 2-3 पंच मारता वो धाड़ा। वो बिना मुजाहमत किए उसके हाथ की शदीद कुव्वत बर्दाश्त कर रहा था कि उसकी तरबियत उसे इजाज़त नहीं देती थी कि वो अपने ही बड़े भाई पर हाथ उठाता। हाँ, जबान से वो मनसब को बखूबी उसकी असलियत बता रहा था। मेरा मुंह बंद करवा देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, मनसब की तरफ देखता वो उसे तपाने वाले अंदाज में बोला। आलिम चुप हो जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है। आलिम के सीने से लगती वो चिल्लाई तो जाने कैसे उसकी भूरी आंखों से आंसू टूट गए। वो रोना नहीं जानती थी क्योंकि वो कभी रो ही नहीं थी, लेकिन आज उन दोनों के अंदाज ने उसकी आंखें भिगो डाली थी। तू बताना क्या हकीकत है, भौंक ना। मनसब को जैसे उस पल किसी बात की होश नहीं थी जबकि अलीशा को रोता देखकर आलिम की जबान को ब्रेक लग चुकी थी। अलीशे, उसने बेसाख्ता अपने शाने से लगी अलीशा को हिलाया। अलीशा ने सर उठाकर पानी भरी आंखों से आलिम की जानिब देखा फिर नफ़ी में सर हिलाया। आलिम ने उसे खुद से अलग करते हुए अपनी नाक से बहता खून साफ किया और मनसब की जानिब देखा जो खून ख्वार नज़रों से उसे ही देख रहा था। तुमने एक मजबूर और लाचार लड़की की बेबसी का फ़ायदा उठाया, तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने लोफर दोस्तों से उस बेचारी को इज्तमाई ज्यादती का शिकार करवाना चाहा। तुम इतने नीच साबित हुए कि ऐसा करते हुए तुम यकसर भूल गए कि तुम्हारी अपनी भी एक बहन। मनसब की आंखों में बेखौफी से आंखें डाले वो कदरे धीमी आवाज़ में बोलता चिल्ला रहा था। जब मनसब के हाथ के एक और मुक्के ने उसे पलटा खाने पर मजबूर कर दिया
عالم کے زخموں پر ضبط کرتی علیشہ دو قدم پیچھے ہٹی، چپ کر کمینے بند کر بریکٹ گالی، نکل یہاں سے، نکل جا۔ اسے پے در پے تھپڑ مارتے ہوئے منصب غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے غصے کو باہر نکالنے کا راستہ مل گیا ہو۔ آپ دونوں یوں ہی لڑتے رہیں، میں یہاں سے دفع ہو رہی ہوں، اپنے گال رگڑ کر چلاتی وہ فلیٹ سے نکل آئی۔ سرمئی آسمان تلے قدم رکھتے ہی ایک خنک ہوا کا جھونکا اس کے غصے سے دہکتے وجود سے ٹکرا گیا۔ دور کہیں مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا۔ آسمان پر صبح کا سویرا پھیلنے کی بجائے سیاہ بادلوں کی ٹولیاں بے لگام ہوتی آپس میں چھیڑ خانیاں کر رہی تھیں۔ موسم گرما کی یہ خوشگوار سرمئی صبح اس کے تنے ہوئے اعصاب پر خوشگوار اثر ڈالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ منہ پھلائے تیز تیز چلتی اس فلیٹ سے دور ہوتی جا رہی تھی جہاں شاید وہ دونوں بھائی ہنوز لڑنے میں مگن تھے۔ عالم کا زخمی چہرہ اور منصب کی غضبناک آنکھیں یاد کرتے ہوئے جانے کیوں اس کا دل شدید تکلیف کا شکار ہوتا آنکھوں کو نم کرتا جا رہا تھا، اور یقیناً اس کے اندر سر ابھارتے چڑچڑے پن کی وجہ آنکھوں کی وہ نمی ہی تھی جسے بار بار گالوں سے پونچھتی وہ تپ رہی تھی، اسے ہمیشہ سے آنسو بہانے سے چڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آ گئی تھی میں، اپنے لب کاٹتی وہ آنسو بہاتی بڑبڑائی۔ اتنے میں آسمان مزید سیاہ ہوتا اب بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے دہل رہا تھا کہ بھلا اس پر یہ موسم اثر انداز ہوتا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا مین سٹاپ تک پہنچ کر ٹیکسی لینے کا تھا۔ اپنے دھیان میں چلتی وہ ویران پڑی سڑکیں ناپ رہی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں میں تیز روشنی سے مرچیں سی بھر دی تھی۔ سامنے سے ہٹنے کی بجائے وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی رہی تو مقابل کو گاڑی کی بریکس لگانی پڑی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان سردار بدر لگاری نے آنکھیں سکیڑ کر خود سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو گاڑی رکتے دیکھ پیر پٹکتی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ فرنٹ ڈور کے پاس رکتے ہوئے اس نے دروازے کا شیشہ نوک کیا تھا۔ بدر نے لب بھینچتے ہوئے ذرا سا شیشہ نیچے کیا۔ کیا آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہے ہیں آپ، یا ابھی بھی نیند کی وادیوں میں گم ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی شدید مسئلہ ہے تو سڑکوں پر دوسروں کو ابدی نیند چلانے کی بجائے گھر جا کر اپنی نیند پوری کر لیں محترم۔ ابھی اگر میں مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ہاں، بنا سر جھکائے وہ سیدھی کھڑی شیشہ نیچے ہوتے ہی برہمی سے چلائی تو بدر نے اپنی گنی بھویں اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ آنکھوں میں بلا کی سرد بہری تھی۔ گہری نیند سے جاگی ہوئی لگتی ہو، سرمئی روشنی میں نظر آتی اس کی آنکھوں میں ابھرے گلابی ڈوروں پر چوٹ کرتا وہ اس کا الزام اسی کی جانب موڑ گیا تھا۔ رعونت سے پر سرد آواز پر علیشہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس کی فقط آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے پورا شیشہ نیچے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پہلے گھر جا کر اپنی کچی نیند پوری کر لیں، پھر میری بھی فکر کر لیجیے گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دیدہ دلیری سے بولی تو بدر کی سیاہ آنکھوں کی رنگت مزید گہری ہو گئی۔ تمہاری فکر تمہیں ہی کرنی چاہیے لڑکی، یہ آخری بار ہے کہ جب میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، آئندہ اگر میرا راستہ خراب کرنے کی کوشش کی تو بنا رحم کیے تمہیں مسل دوں گا۔ آنکھوں میں صفاقیت سموئے وہ مروت سے آری مغرور لب و لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی علیشہ کو پہلی بار چپ لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی رنگت اتنی ہی سیاہ تھی کہ علیشہ کو زندگی میں پہلی بار عجیب سی وحشت محسوس ہوئی تھی۔ ایک بے نیاز نگاہ حق تک کھڑی علیشہ پر ڈال کر وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ ٹپ 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 بارش کی ٹھنڈی بوندیں بے تابانہ زمین پر جو چھوتی علیشہ کا وجود بھگونے لگی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی بارش میں بھیگتی چلی گئی، جانے کیوں اندر کہیں کوئی اہانت جیسا جذبہ نہیں جاگا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اپنے رونے سے چڑ رہی تھی وہیں بیٹھ کر زور و شور سے رونے لگی۔ حقیقتاً وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اسے مہربان کے ساتھ منصب کے پاس آنے کی ضد کی تھی۔ علیشے، علیشے، اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ دونوں اس کی تلاش میں بے حال نظر آ رہے تھے۔ انہیں اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ سرد سے اٹھی۔ یار پاگل ہو تم، وہاں سے کیوں نکلی تم باہر؟ اس کے پاس آتا عالم چلایا جبکہ منصب کی نگاہوں میں بھی اس کے لیے خفکی تھی۔ آپ تو نا واپس چلے جائیں اور کیری آن کریں، میری فکر چھوڑ دیں۔
नाराजगी से उन्हें जवाब देती वो पलटी, मनसब जल्दी से उसकी कलाई थाम कर उसके सामने आया। कैरी ऑन नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ, बाल भी खराब हो गए हैं, आकर बना दो। उसके आंसू साफ करता वो नरमी से बोला, जबकि बारिश के पानी में भी मनसब पर अपने आंसू वाजिया हो जाने पर वो खज्जल सी हो गई। खुद ही बना लें आप, मुझे नहीं आते, वो साफ मुकर गई। झूठ मत बोलो अब, मनसब ने उसे टोका। अब तुम चल रही हो या मैं उठा कर ले जाऊँ? आलिम की आवाज़ उसके पुश्त से उभरी तो वो उसकी जानी पलटी और सुर्ख आंखों से उसका जायज़ा लिया। वो ज़ख्मी था और अपनी चोटों की परवाह किए बिना उस पल उसकी फ़िक्र में बारिश में भीग रहा था। तुम खुद तो ठीक से चल लो, फिर मुझे भी उठा लेना। उसके गाल पर वाजिया होती निलाहट देखती वो भराई हुई आवाज़ में बोली तो आलिम मुस्कुराया। अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि तुम जैसी चूहिया को ना उठा सकूं, गैर संजीदगी से कहते हुए वो आगे बढ़ा और उसे बच्चों की तरह गोद में उठा लिया। वो मज़ाहमत करने की बजाय किसी छोटी बच्ची की तरह उसके गिर्द बाजू हाइल करती रो पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बेटी अपने बाप को छोटी सी चोट लगने पर ही बाप के सीने से लग जाती है। मनसब को अलीशा के आंसुओं ने अज़ियत में मुब्तला कर दिया था। वो चुपचाप आलिम के पीछे चलने लगा जो अब हंसते हुए कह रहा था, ओह यार तुम रोती भी हो? वो उसे तपाने को छेड़ रहा था। हाँ, जब तुम मेरे मना करने के बावजूद बहुत बोलते हो तो मैं रोती हूँ, वो उसकी आगोश में होने के बावजूद मनसब का भी दिफा कर रही थी, जैसे उसे आलिम का मनसब के सामने ज़बान का इस्तेमाल बुरा लगा था। आइंदा नहीं बोलूँगा मेरी माँ, वो हनूज गैर संजीदा था, बोलोगे तो मैं अब तुम्हें गंजा भी कर दूँगी, उसके बाल खींचती वो उससे लड़ रही थी। हालांकि मेरी ज़बान का मेरे बालों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने पुराने मूड में आ चुका था। जब गंजे होकर खौफनाक लगोगे तो ये ज़बान ही आहें भरेगी, अलीशा ने दूबदू जवाब दिया तो आलिम ने कहकहा लगाया, जबकि उन दोनों की गुफ्तगू से कदरे बेबहरा वो भीगी सड़क पर सर झुकाए चल रहा था। बारिश की तेज़ बौछाड़ मनसब को सुकून बख्श रही थी, उसकी जलती आंखों में मेहरमा का गुलाब चेहरा घूमने लगा था, जबकि जहन आलिम के उन लफ्ज़ों में अटका हुआ था जो कुछ देर पहले उसने बोले थे। तुम इतने गिर गए कि तुमने अपने लोफर दोस्तों से उस बेचारी को इज्तमाई ज्यादती का शिकार करवाना चाहा, वो तल्ख आवाज़ उतनी ही सर्द थी कि मनसब की रूह की गहराइयों में तलखी सी भर गई। भला ऐसा कब चाहा था उसने, वो तो फकत एक वीडियो, उसने जैसे खुद को दलील देनी चाही थी तभी उसे अपने आसपास किसी के कहकहे लगते सुनाई दिए थे, जैसे वो बुलंदो बांग कहकहे उसका मजाक उड़ा रहे हों। वीडियो, फकत वीडियो, किस किस्म की वीडियो? हाँ, एक इंतहाई गलीज वीडियो, ये आवाज़ उसके अंदर से कहीं उभरी थी जो उतनी ही धीमी थी कि बारिश के शोर में कहीं दब रही थी। भाई अब आ भी जाएं क्या, बाल नहीं बनवाने? अलीशा की आवाज़ पर वो चौंक गया, सामने देखा तो वो फ्लैट का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। करीब ही भीगा हुआ मेहरबान आलिम शाह भी मुंतजर सा उसी की जानिब देख रहा था। वो सर झटकता अंदर की तरफ बढ़ गया। गो उसे आलिम के साथ किए सलूक पर कोई अफसोस नहीं था, लेकिन उसका ज़ख्मी चेहरा उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। उसने आलिम की तरफ़ देखने से एतराज़ पड़ता था, लेकिन उतना तो वो दोनों ही जानते थे कि अलीशा के होते हुए वो दोनों घंटा भर से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ नहीं रहने वाले थे। बारिश का ज़ोर टूट चुका था, रात की स्याही अपने पर समेटे उड़न छू होती सुबह की मध्यम रोशनी को खुश आमदीद कहने को बेताब हो रही थी। रात भर हवा के जोर पर शोर करते खिड़कियों के दीवार के पट उस पल साकित थे, दरवाज़ों से लिपटे बारिश की नमी से भीगे पर्दे मातम कुना से दिख रहे थे। ऐसे में वो चौपट आंखें खोले कुछ बेयकीन निगाहों से उस सफाक इंसान की जानिब देख रही थी जो उसे बर्बाद करके अब मुतहविश सा उसी को देख रहा था। जहरा, मुझे समझ नहीं आ रही कि, लेकिन प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे शादी करूँगा, वो शर्मिंदगी से कहता उसका हाथ थामने को झुका तो अपना दुपट्टा मुट्ठी में दबोचती वो बे इख्तियार पीछे खिसकी। बबर आंखें आंसुओं से भीगी उस पल वहशतनाक लग रही थी, रो रो कर उसकी तीखी नाक सुर्ख हो चुकी थी। उसके यूं दूर हटने पर वो नए सिरे से अजियतों में घिर गया। जहरा, बिलीव मी, मैं तुम्हें बताना चाहता था, समझाना चाहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसके करीब होता वो शिकस्त खुर्दा सा गोया हुआ
उसका वजी चेहरा उस पल जहरा की धुंधली निगाहों के सामने था। नफी में सहलाती वो पीछे होती बेड क्राउन से जा लगी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, वलीद की वीरान आंखों में देखती वो बुड़बुड़ाई, जैसे वलीद से ज़्यादा वह खुद को यकीन दिला रही थी। उसके रेजा रेजा वजूद को हारे हुए अंदाज में देखता वो सदमे से पागल होने को था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेचारगी से कहते हुए उसने जहरा का हाथ थाम लिया। उसे तो जैसे करंट सा लग गया। तड़प कर उसका हाथ झटकती वो जल्दी से बेड से उतरी। अब पास मत आइएगा सरकाज, अब नहीं, लड़स्ती आवाज़ में बोलती वो कांप रही थी। उसकी सांवली रंगत एक ही रात में जर्द पड़ गई थी। वलीद शाह का दिल कटने लगा। तुम गलत समझ रही हो, ये जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो उसे समझाने वाले अंदाज में कहता बेड से उतरा तो जहरा उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ भागी। झूठ बोलते हैं आप, वो रोते हुए बुड़बुड़ाई थी। उसे यूं बेहाल अपने कमरे से निकलता देख वो भी उसके पीछे लपका था। जहरा रुक जाओ, कोई देख लेगा, वो धीमी आवाज़ में चिल्लाया, लेकिन वो बिना पलटे तेज़ी से भागती सीढ़ियाँ उतरती चली गई और बेध्यानी में ऊपर आते फिदा से जा टकराई। तसादुम इस कदर ज़बरदस्त था कि वो उसे थाम कर बमुश्किल गिरने से बचा पाया था। जहरा का रोम रोम लरस रहा था। उसके बिखरे बालों और सीढ़ियों में रुलते दुपट्टे पर नज़र पड़ते ही फिदा के दिल को कुछ हुआ था। जहरा, उसे बाजुओं से थामते हुए फिदा ने उसे हिलाया तो जहरा ने खाली खाली नज़रों से उसकी जानिब देखा, जिसकी निगाहें बेयकीनी से उसके नकूश तोल रही थी। सूजन ज़दा आँखों का फैला हुआ काजल, सुर्ख नाक, सिसकते लब, दुपट्टे से बेनियाज उसका बेहाल हुलिया चीख चीख कर गुज़िश्ता रात की तबाहकारियों की गवाही दे रहा था। फिदा से निकाह मिलते ही जहरा की भराई हुई आंखों में तलातुम सा बरपा हो गया। सरकार, उसके लब शिकायती अंदाज में फड़फड़ाए थे। आंखों की जबान ऐसी थी जो बिलक बिलक कर फिदा से शिकवे कर रही थी। वह उस पल कहीं से भी उस जहरा जैसी नहीं लग रही थी जिसे वो जानता था। किसने किया ये, जहरा की आंखों में देखता वो संजीदगी से बोला। उसके बाजुओं पर फिदा की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। वलीद जो जहरा को फिदा के मुकाबले देखकर सीढ़ियों के दुहाने पर ही ठहर गया था, उसे फिदा के सवालात से बचाने को उन दोनों की तरफ आया। जहरा तुम जाओ, उसे फिदा की गिरफ्त से निकालता वो नरमी से बोला तो उसके हाथ झटकती वो फिदा की ओट में हो गई। जहरा के हाथों की कपकपाहट और वलीद की आँखों की डोरे सारी दास्तान बयान कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वलीद शाह, वलीद की आंखों में आंखें डालता वो सबर के कड़वे घूंट पीता घुर्राया था। फिदा की पुश्त पर छुपती जहरा की आंखों में वलीद को देखकर खौफ उतर आया था। मुझे सफाई का मौका दो, वलीद बमुश्किल बोला था। इस नाजुक सूरत हाल पर वो रो देने को था, कुछ कहना बाकी है, गुंजाइश निकलती है। कहर पार निगाहों से वलीद को घूरता वो चबा चबा कर बोला, हम आराम से बात करते हैं, ये वक्त और जगह दोनों ही मुनासिब नहीं है। फिदा के करीब ठहरता वलीद मुल्तजियाना अंदाज में गोया हुआ। उन दोनों को एक दूसरे के मुकाबले देखती जहरा की आंखें धुंधला रही थीं, जिस्म से जान निकलती वजूद को बेजान कर रही थी। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वलीद, लेकिन तुम इसका नतीजा ज़रूर भुगतोगे, याद रखना, उसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता वो पलटा और उसे थाम लिया जो गिरने को थी। एक जब्त भरी सख्त निगाह वलीद शाह पर डालकर वह होशो गिर्द गंवाती जहरा को बाजुओं में भरता वहां से निकलता चला गया। ये देखे बिना कि अपने कमरे से निकलती संदल के लब जहरा का बेहोश वजूद फिदा के बाजुओं में देखकर किस तरह से मुस्कुराए थे। वह बरवक्त दीवार की ओट में हो गई थी, जबकि खला में लटकता जहरा का बेजान सा बाजू देखते हुए वलीद शाह की आंखों से एक भटका हुआ आंसू निकलकर उसका गाल भिगोता चला गया। वो जीते जी मर गया था। खबर नहीं अभी दुनिया को मेरे सानेह की, सो अपने आप से करता हूँ ताज़ियत अपनी। हवेली के तंगो तारीक छोटे कमरों में से एक के सामने आकर रुकते हुए उसने दरवाजे को ठोकर मार कर खोला था। कमरा नींद तारीकी में डूबा हुआ था। अंदाजे से उसे चारपाई पर डालकर वो सीधा हुआ, फिर पलट कर कमरे की पीली बत्ती जलाई थी। माई कर्मा वहाँ नहीं थी, वो जानता था कि वो पिछले 3 दिनों से 7 वाले गाँव में अपनी बीमार बहन की खिदमत के लिए गई हुई हैं।
پانی کی تلاش میں فدا نے نظر گھمائی تو وہیں ایک طرف اسے مٹی کے پیالے سے ڈھکا گڑھا نظر آ گیا۔ پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارتے ہوئے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ معمولی سی کوشش کے بعد ہی وہ خوف زدہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں سرکار، نہیں۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ زور سے چلائی تھی، آواز رونے کے باعث بھاری ہو گئی تھی۔ فدا کا دل اس کی تکلیف پر دکھ سے بھر گیا تھا۔ میٹھی، ادھر دیکھو میری طرف، یہاں میں ہوں، کچھ جھجکتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ تو زہرا نے اپنے ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیے، بھیگی آنکھوں کی پلکیں جھپکاتی وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا کیا ہے ولید نے؟ کب، کیسے، مجھے بتاؤ، کیا تم نے اسے موقع دیا؟ زہرا، وہ غم و غصے کا شدید شکار ہوتا سنجیدگی سے بولا تو روتی ہوئی زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ اس تلخ سانحے کو برداشت کرنے کی کوشش میں فدا کی پیشانی پر نسیں نمایاں ہونے لگی۔ میں اس بارے میں تایا سرکار سے بات کروں گا، ولید تم سے شادی کرے گا، تمہیں عزت دے گا، وہ نکاح چکائے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو زہرا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں برباد ہو چکی ہوں سرکار، اب یوں تشہیر کر کے میرا تماشا بند بنائیے گا۔ بابا جی سرکار مجھے عزت نہیں دیں گے، بلکہ میرے منہ پر کالک مل کر مجھے سنگسار کر دیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، ایسا سوچیں بھی مت، وہ بھیگی آواز میں گڑ گڑائی تو فدا اپنے لب بھیج گیا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا تھا کہ آدھی رات کو حویلی میں بھٹکتی پھرو؟ اور تو اور، آئی کانٹ بلیو تم اتنی بیوقوف ہو کہ اس کے کمرے میں بھی چلی گئی۔ وہ اپنا سر ہاتھ میں تھامتا ہوا بولا تو وہ اور شدتوں سے رو دی۔ انہوں نے چائے کا کہا تھا، اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، اس کو صاف منع کر دیتی تم، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تنہائی میں ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ زہرا اتنی لاپرواہی، وہ اس کے اس عظیم نقصان پر شدید غم زدہ تھا جبکہ اس کے لفظوں پر غور کرتی زہرا نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ تنہائی میں اگر شیطان کا کام چلتا تو اس وقت ہم دونوں بھی تنہا ہیں، ولید سرکار خود شیطان ہے، ان کی نیت جانے کب سے خراب ہے، یہ سب انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تڑک کر کہتی وہ آخر میں چہرہ گھٹنوں میں دے کر رو دی تو وہ بے چین سا ہوتا اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو ہو چکا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن اتنا طے ہے کہ ولید تم سے شادی کرے گا، جب تک تم اس بارے میں مائی کو کچھ نہیں بتاؤ گی زہرا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر دھندلی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ اس کے حامی بھر لینے پر وہ چپ چاپ اس کے کمرے سے نکل آیا۔ پیچھے زہرا گم سم سی اپنی ہتھیلیوں کو گھورتی رہ گئی، جہاں شاید فدا حسین کا نام کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ فون کے سپیکر سے ابھرتی متفکر سی نرم آواز سنتا وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی، چھت کو گھورتا وہ اپنے مخصوص لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ جو لڑکی اس پر نکاح غلط ڈالنا پسند نہیں کرتی، وہ اس کی ایک دن کی غیر حاضری سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو شیز؟ اس کے باپ کی آواز میں حیرت تھی، وہ فاصلے کے باوجود اس کی آواز اور انداز سے ہی اس کی حالت جان لیتے تھے۔ نو، وہ ایکچولی مما کو مس کر رہا ہوں، اپنے دل کا چور چھپانے کو وہ جلدی سے بولا۔ تو یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، اسے کال کر لو، وہ نرمی سے بولے۔ نہیں، وہ دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ تصور میں علیشا کا چہرہ سجائے وہ بے خودی میں کہہ گیا، یہ تم اپنی ماں کی بات کر رہے ہو شیز؟ یہ تم اپنی ماں کی ہی بات کر رہے ہو شیز؟ وہ کچھ کھوج لگانے والے انداز میں بولے تو شیز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ اس پل بے بسا ہو رہا تھا، کل شام ہی اس کا ٹکراؤ علیشا سے ہوا تھا اور آج وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ وہ دوپہر کے بعد سے اب تک گرلز ہاسٹل کے سامنے سے لا تعداد مرتبہ گزر چکا تھا، مگر وہ نظر نہیں آئی تھی۔ آئی تھنک تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو جاؤ، اس کی غائب دماغی محسوس کرتے وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ نہیں، نیند تو نہیں آ رہی، کافی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، شیز نے سادگی سے کہا۔ تو مسئلہ کیا ہے بتا دو، وہ خفا ہوئے تھے۔ بابا، آئی تھنک آئی ایم ان لو، اپنی دلی حالت سے پریشان ہوتا وہ تھکے ہوئے انداز میں کہہ گیا۔ تو دوسری جانب اس کی آواز سنتے اس کے باپ کے لب سختی سے بھنج گئے تھے۔
कुछ पल दोनों के मबैन खामोशी की नज़र हो गए, फिर उन्होंने बिना कोई बात किए कॉल काट दी। शीज हैरत ज़्यादा सा हाथ में पकड़े फ़ोन को देखता रह गया, जिसकी स्क्रीन साफ हो चुकी थी। वो तकिया बाजुओं में भींचे गहरी नींद सो रहा था, जब कान के पास मुसलसल महसूस होती मच्छरों की भिनभिनाहट ने उसे नींद में ही नाक सुकेड़ने पर मजबूर किया था। वो अपने कान के पास हाथ मारता करवट बदल गया। अब उसका रुख किनारे की तरफ हो चुका था। चेहरे के सामने ही खिड़की से किसी ने पर्दा सिरकाया था। तेज धूप ग्लास डोर से टकराती सीधा उसके मुंह पर पड़ी। उसने बेइख्तियार आंखों पर हाथ रखा। मान कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ था। धूप का रास्ता रुक चुका था, लेकिन साथ ही मच्छरों की भिनभिनाहट एकदम बढ़ गई थी। यार क्या मुसीबत है, फाड़ खाने वाले अंदाज में चीखते हुए मेहरबान ने मुदी मुदी सी आंखें खोली तो उसकी बसीरत के सामने लाल रंग का गोल ड्रम सा था। मेहरबान ने पूरी आंखें खोली तो वो ड्रम उसकी आंख के मजीद करीब हुआ, साथ ही उसकी पुश्त पर लगे पर हिले थे। भुड़ आवाज़ बड़ी थी। उसने गौर से देखा तो वो एक कॉकरोच था जो उल्टा लटका हुआ था। वो पल भर को खौफजदा होता डर कर पीछे खिसका। अंदाज हकीकतन मजाक खेज था कि हाथ की चुटकी से कॉकरोच की टांग पकड़े अलीशा खिलखिला कर हंसी दी। ओ ओ, कॉकरोच को पंजोलम की मानंद दाएं बाएं हिलाती वो कॉकरोच उसकी तरफ बढ़ाती हंसती जा रही थी। वो मसीद पीछे किसका, अलीशा की बच्ची, वो दांत पीस कर चिल्लाया। नो नो नो, पहले मैं तुम्हारे बच्चे देखूंगी और उनको बताऊंगी कि उनके बाबा कॉकरोच से डरते हैं। दूसरे हाथ में पकड़ा मोबाइल, जिसमें उसने मच्छरों का साउंड प्ले किया हुआ था, जीन्स की पॉकेट में घुसाते हुए वो आराम से बोलती बेड पर चढ़ गई। मेहरबान जल्दी से बेड से नीचे कूदा था। वो कीड़े मकोड़ों से हमेशा से डरता आया था और उसकी इस कमज़ोरी से अलीशा बखूबी वाकिफ थी। इसे पीछे कर लो वरना बहुत पिटोगी मुझसे, वो शहादत की उंगली उठाता उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोल रहा था, लेकिन मुकाबिल पर भला असर कब होना था। ओ मेरा प्यारा भाई, देखो तो सही ये कितना क्यूट है, उसकी तरफ बढ़ती वो बोलती रही तो वो कमरे से बाहर को भागा। नतीजतन अलीशा ने भी फुर्ती दिखाई थी, वो मुसलसल हंस रही थी। अलीशा दूर रहो मैं कह रहा हूँ, सोफों के आगे पीछे उछलता वो दुहाई देने वाले अंदाज में बोला था। मैं कब पास आ रही हूँ, ये क्यूट बेबी कह रहा है इसे तुमसे गले मिलना है, बताओ फेंकूँ तुम पर, फेंकूँ। उसके पीछे पीछे लिविंग रूम तहस नहस करती वो हंसते हुए बोल रही थी। एक तो वो बेचारा कच्ची नींद से जागा था, उस पर मुतजाद अलीशा का ये जुल्म। मैं तुम्हें कुएं में फेंक आऊँगा चुड़ैल, इसे पीछे करो, एक कुशन उसे मारते हुए वो चीखा था। आजकल कुएं नापैद हैं डार्लिंग, कुशन से बचती वो आराम से बोली। अलीशा प्लीज़ ना, जब अलीशा ने उसे घेर लिया तो वो आजिज़ाना बोला, तुम्हारी आंखों में खौफ देखना है, अब ज़रा अपनी आंखों में देखो ना, वो उसके नकल उतारती इतरा कर बोली तो वो अपना सर पीट कर रह गया। तभी मनसब बालों में हाथ चलाता अपने कमरे से बाहर निकला था। मेहरबान गुज़िश्ता रात की लड़ाई भूल भाल कर उसकी जानिब लपका था। मून इसको बोलो ये गंदा कीड़ा पीछे करे, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मनसब की ओच में होता वो जल्दी से बोला। अलीशे, मनसब ने उसे तंबीही अंदाज में घूरा। नहीं भाई, आज मैं इसे बता कर रहूँगी खौफ किसे कहते हैं, ये मुझे सहमा हुआ देखना चाहता था, अब देखें ज़रा खुद की शक्ल कैसी भीगी बिल्ली जैसी बनी हुई है। आंखें मटकाती वो एक बार फिर कॉकरोच उसकी तरफ उछालने की अदाकारी करते हुए बोली, मून कहो ना उसे। मेहरबान ने मनसब को झिंझोड़ा था, अलीशा इसे फेंको और फौरन हाथ धोकर आओ, मनसब ने संजीदगी से उसे हुक्म दिया तो अलीशा ने होंठ सिकेड़े। पक्का फेंक दूं, उस आदमी से पूछने लगी। फौरन फेंको, मनसब ने आंखें निकालते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। ओके, आराम से कहते हुए उसने मनसब की ओट से निकलते आलिम पर वो नीम मुर्दा कॉकरोच उछाल दिया। अगले ही पल मेहरबान के ब्रेक डांस पर अलीशा समेत मनसब भी कहकहा लगा कर हंसा था। फिर अलीशा थी और मेहरबान जो पूरे फ्लैट में उसके पीछे भाग रहा था। मनसब का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था, जबकि मेहरबान की बेबसी और गुस्सा अरूज पर था।
सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वॉज द एंड ऑफ द एपिसोड. होप दैट यू लाइक इट. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी. अल्लाह हाफिज.